दोस्तों आए दिन आप ये कहीं ना कहीं वीडियो देखते रहते हैं हमेशा कि बेटा बहू को आप घर से कानूनी तौर में बेदखली कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई कानून ऐसा प्रोसीजिंग है कि बेटा और बहू को पैतृक संपत्ति से आप बेदखल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? पहली बात तो कुल मिलाकर ऐसा कोई कानून है कि आप बेटा और बहू को पूरी तरह से बेदखल कर सकते हो? पूरी डिटेल में बात करूँगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, इस वजह से वीडियो को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला यह है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, कंसीलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। दोस्तों आए दिन आप न्यूज़पेपर में ये चीज़ सुना होगा कि फलाने नाम का बेटा अपना बेटा बहू को बेदखल कर दिया है प्रॉपर्टी संपत्ति में, अगर आगे चलकर वो कुछ करती है तो उसका हम कोई भी जिम्मेदार नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि एक्चुअल में देखिए, अगर प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है तो पिता के पास ये कोई अधिकार नहीं होता है कि वह उसमें से उसे बेटे को बेदखल कर दिया जाए। जी हाँ, पैतृक संपत्ति है तो भाई पैतृक पिता को पिता की पैतृक संपत्ति मिली हुई है और पिता के नाम से, लेकिन उसमें से जो बच्चे पैदा होते हैं या पोते बेटा होते हैं, जैसे आपके बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, तो उनको बेदखल करने का पिताजी के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले जो आपका ये कन्फ्यूज़ होता है कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है ऐसा क्यों दिया जाता है, हर कोई लीगल एडवाइज़र आपको बताता रहता है। देखो इसका भी एक कारण होता है कि जो मेंटेनेंस के लिए, घर वालों को हरासमेंट करने के लिए बेदखल का एक प्रोसीजिंग अपना लिया जाता है, न्यूज़पेपर पे दे दिया जाता है, लेकिन ये एक तरह से इलीगल टाइप होता है, ये कोई कानूनी तौर पे माना नहीं जाता। कहीं पर आपके सवाल भी आते रहते हैं कि सर मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया था, उसके बाद ही पुलिस वालों ने मेरी नहीं सुनी, मेरे माँ बाप के नाम ऐड कर दिया। तो देखिए भैया, इसका कोई कानूनी प्रोसीजिंग होता है नहीं है, क्योंकि पैतृक संपत्ति से आप किसी भी बेटा बहू को बेदखल नहीं कर सकते हो। जी हाँ, अब बात करते हैं तो फिर ये लोग क्यों बनाते हैं। देखो, मेंटेनेंस वेलफेयर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं को संरक्षण देता है, उसी प्रकार से सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 होता है वो देता है बुजुर्ग माता पिता को संरक्षण देता है। जैसे कोई नालायक बहू या बेटा कोई भी गाली गलौज करता है माता पिता को, तो उसे उस घर से बाहर निकाला जा सकता है। अब ये पावर होता है किसी नोटरी टाइप के या किसी के पास पावर नहीं होता है, या किसी न्यूज़पेपर के थ्रू निकालने से इसका कोई भी प्रोसीजिंग कोई मतलब नहीं होता है। इसका जो पावर होता है वो होता है SDM के पास, मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है। उसमें माता पिता को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि जो मेरे बेटा है, जो बहू है, वो गाली गलौज करती है, हमारे साथ मेंटल टॉर्चर किया जाता है, हमारे घर में इससे से बाहर निकाला जाए, उसके संज्ञान लेता है, बात सुननी पड़ती है, विपक्ष की भी, जो इसको आप बेदखल कर रहे हो उसकी भी बात सुनना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब को कि वाकई ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी भी बात को रखना पड़ेगा अगर आप कानूनी तौर पर बेदखली कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद में उनकी बात सुनने के बाद में अगर कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को ये बात लगता है कि वाकई इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है और घर से बाहर निकालना है, माता पिता सीनियर सिटीजन है, वो परेशान हो रहे हैं इस सिचुएशन में, उनको बाहर करने का 21 दिन का ऑर्डर देता है, 21 दिन के बाद में उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस फोर्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये होता है कि आप बेदखल नहीं कर सकते हो, लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आप इनसे घर से बाहर निकाल सकते हो बेटा और बहू को, और साथ में आगे की जो भी कोई मेंटल हरासमेंट करते हैं आपको, तो उस प्रोसेसिंग के तहत आप उनसे कोई भी आप पे हरासमेंट नहीं किया जाएगा कि आपका नाम किसी भी तरह वो एड नहीं करा पाएंगे। तो एक ही होता है वेलफेयर मेंटेनेंस एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ही सीनियर सिटीजन बुजुर्ग माता पिता है वह अपने बेटे बहू को घर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति से किसी भी प्रकार से उन्हें वहां से वंचित नहीं कर सकते और बेदखल भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेदखल का फिर प्रोसेसिंग और ये जो ड्रामे टाइप न्यूज़पेपर में ये निकलते हैं इसका क्या मीन्स होता है। देखिए ये चीज़ें होती है ना जो दोस्तों एक तरह से दिखावा टाइप की हो गया कि बेदखल कर दिए, ये कर दिए, वह कर दिए, लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर करोगे भाई, कानून तौर पर अगर आप करना चाहते हो तो आपको इसके लिए वसीयत कराना पड़ेगा। जी हाँ, वसीयत का मतलब होता है कि आपको जीते जी वसीयत कर दिया जाएगा भाई, जिस बच्चे को, जो भी लड़का कोई नालायक है, जो बेटा बहू आपसे परेशान हरासमेंट कर रहा है, और आपकी संपत्ति सेल प्रॉपर्टी में आप उनको वहां से वसीयत कर सकते हो, साथ में जो पैतृक संपत्ति है उसका मालिक भी, पिता जब तक जीवित है वो भी उनके पास है, और उनको वसीयत कर सकते हो
बट उसका भी साथ में रीजन देना पड़ेगा कि इस वजह से इस बच्चे को मेरी प्रॉपर्टी में कोई लेना देना नहीं है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप बेदखल करना चाहते हो, प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही नाम निशान मिटाना चाहते हो किसी बेटा बहू का, तो उसके लिए आपको वैसियत की प्रोसेसिंग अपनाना पड़ेगा, मतलब वैसियतीकरण कराना पड़ेगा, जिसमें कुल मिलाकर जीते जी पिता कर सकता है कि मैं मरने के बाद जीवित हूँ तब तक तो प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी, जैसे बच्चे तीन है और तीन बच्चों में से एक कोई भी नालायक निकल आता है, तो मेरी जो प्रॉपर्टी वो दो ही हिस्सों में डिवाइड हो, तीसरे हिस्से में किसी भी प्रकार से नहीं जाए। इसको वैसियतीकरण बोला जाता है दोस्तों। और वैसियतीकरण के तहत ही आप किसी भी बेटे और बहू को वहाँ से कर सकते हो बेदखली, ठीक है। इसको एक बेदखली का रूप दे दिया जाता है, नहीं तो बेदखली ऐसा कोई प्रोसेसिंग कानूनी तौर पे नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको करना ही है प्रोसेसिंग तो वैसियतीकरण कराना है। अब वैसियतीकरण करा दोगे तो उसमें आपका काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है, ये बात आप बेटर समझ लीजिए। जी हाँ, क्योंकि अगर वैसियतीकरण कराते हो, देखो आपका फैमिली मैटर्स है, उसका कुछ टाइम का फैमिली एक या दो साल का है, इसका कोई मीन्स ही नहीं बनता। अगर कानूनी तौर पर आप इसको देखते हो, बी पॉजिटिव देखते हो, सडनली मान लीजिए कि आपने वैसियतीकरण कराया, आपके माता पिता सीनियर सिटीजन है और एंड में से कुछ घटना घट जाती है जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है, जो प्रॉपर्टी वो दो हिस्से में जाएगी, तो आपका उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी प्रकार से आप उसमें नहीं ले सकते हो। तो कानूनी तौर पे देखा जाए तो मेंटल जो मेट्रोमोल केसेज होता है इसमें इसका कोई वैल्यूएबल ओपेंस नहीं होता है, ना ही इसका कोई तरीका प्रॉपरली होता है। हाँ, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आप इन्हें बेटा बहू को घर से बाहर कर सकते हो, सेल प्रॉपर्टी से आप हटा सकते हो, उनको घर में रहने का अधिकार नहीं रखते। अगर आपको हरासमेंट कर रहे हैं तो आप सीनियर सिटीजन के एसडीएम के पास इसका पावर होता है, पाबंद करा सकते हो, अपने घर से बाहर निकाल सकते हो। ये एक वो भी एक मेजर वयस्क लड़का, आपके शादीशुदा लड़का है उसी को, अगर माइनर लड़का है आपका तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की होती है, उसको केयरिंग और सब कुछ मेंटेनेंस की, भरण पोषण की माइनर लड़के के लिए। लेकिन मेजर यानी वयस्क लड़का है, चाहे वो शादीशुदा है या अनमेरिड है, तो उस सिचुएशन में आप उसी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एसडीएम को एक एप्लीकेशन देके वहाँ से उसे वहाँ से घर से बाहर निकला सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको बात समझ आ गया होगा कि जो भी ये एक न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, नोटरी टाइप का निकाह बना के आपको लगा के दे दिया जाता है, ये कोई भी एक लीगली टाइप का नहीं होता है, ना ही कोई कानूनी इसका कोई प्रोसेसिंग दिया गया है। कानून में सिर्फ ये बताया गया कि पितृक संपत्ति जो होती है, जन्म से ही जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका अधिकार उसमें हो जाता है, बच्चे के बच्चे भी हो गए तो भी उसका अधिकार हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर पिता माता पिता कोई हरासमेंट नालायक गाली गलौज करता है या उनके साथ कोई टॉर्चर कर रहा है, मेंटल हरासमेंट कर रहा है, तो वह एसडीएम को पावर दिया गया है, मजिस्ट्रेट साहब को, आपके एरिया के जो मजिस्ट्रेट साहब पावर होते हैं उनके पास इसका पावर होता है, और उनको बेटा और बहू को वहां से बेदखल करने की जगह वहां पे घर से निकाला जा सकता है, जिसे पाबंद बोलते हैं। आप उन्हें पाबंद करा सकते हो और पाबंद तब तक करा सकते हो जब तक आपका वो बेटा मेट्रोमोलिन केसेज में, जब तक आपकी सिचुएशन आप उसमें पूरी तरह से नहीं सुधर सकते हो, तो आपके पास यही सबसे लीगली प्रोसेसिंग होता है। आए दिन लोग ये कहते रहते हैं कि सर हमने तो बेदखल हो रखे थे फिर भी पुलिस वालों ने मेरे माता पिता का नाम, भाई ये प्रोसेसिंग होता ही नहीं, ये आप एक नोटरी टाइप पे करा लेते हो, ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर में, अगर न्यूज़पेपर से ही किसी का राइट खत्म होने लग जाए तो हर कोई न्यूज़पेपर से देख के राइट खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये एक कानून में कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है इसका तरह से, इस तरह का कोई भी प्रोसेसिंग नहीं है। तो आपको अगर लीगली तौर पर ही कराना है, भाई लीगली कराना है तो वैसियतीकरण कराइए। अगर वैसियतीकरण आप कराना चाहते हो तो फिर उसमें आप ही का लॉस है, आगे चल के कुछ भी घटना घट सकती है, उसमें दिक्कत आपको ही हो सकती है आगे चल के। इस वजह से आप सीनियर सिटीजन एक्ट में जाके जो भी होता है प्रावधान, वेलफेयर और मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, माता पिता संरक्षण देता है, जो माता पिता को संरक्षण देता है उसके तहत आप उसे घर से पाबंद करा दीजिए, घर से निकला दीजिए, एक कानूनी तौर पर कराइए, उसके बाद आपके माता पिता कोई भी परेशान नहीं होगा इस सिचुएशन से, ना ही आप अपनी पितृक संपत्ति से बेदखल हो सकते, उसमें आपका भी राइट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये सिचुएशन दोस्तों आए दिन लोगों की कहीं गलत फहमी रहती है। प्रॉपर्टी का मैं पार्ट टू पार्ट स्टार्ट करता जा रहा हूँ, लेकिन जो पार्टी आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि शादी मेट्रोमोलियल केसेस से भी जुड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों की दिक्कत आती रहती है, आए दिन लोग इसका प्रोसेसिंग अपना पीते भी रहते हैं। तो जो तरीका आपका न्यूज़पेपर में निकालने का होता है ये बिल्कुल गलत तरीका है। नोटरी से अगर आप ये कराते हो, नोटरी से आपने स्टाम्प पेपर पे लगाया, दोनों की पिक लगा दी, फोटो लगा के उसको नोटराइज करा दिया और उसके बाद आप उसका एक न्यूज़पेपर में निकाल दिया, तो ये कोई भी तरीका नहीं है। बाद में फिर आप आके कहते हो सर हमारे माँ बाप का नाम करा दिया जबकि हम तो बेदखली हो रखे थे, तो भैया वो आपका एक लीगली है ही नहीं है। आपको मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है, एसडीएम के पास और डीएम के पास इसके पावर होते हैं, पर 99% ये पावर पूरा एसडीएम के पास ही है। तो आप सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं के पास पावर दिया गया, वहीं से आपको एक एप्लीकेशन माता पिता को लगानी पड़ेगी, जो भी नालायक बेटा बहू है उनको निकालने के लिए। घर से आप पाबंद कर दीजिए, आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको कानूनी तौर पर पाबंद करना पड़ेगा।
अगर प्रॉपर्टी से आपको हटाना है उसके लिए आपको वैसेकरण कराना ही पड़ेगा जीते जी। अब वैसेकरण अगर आप करवाते हो तो इन फ्यूचर चल के आपको ही उसका लॉस उठाना पड़ सकता है कहीं भी, क्योंकि आपकी उस प्रॉपर्टी में जैसे आप तीन भाई हो तो दो भाई में प्रॉपर्टी चली जाएगी और प्रॉपर्टी भाई में जाने के बाद आपको प्रॉपर्टी तो मिलने वाली है नहीं। वैसेकरण अगर एक बार हो जाती है, देखो कानूनी तौर पर वैसेकरण से ही आपको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे तो नहीं किया जा सकता आपको भाई। न्यूज़पेपर से नोटरी टाइप पे इससे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर मैं वीडियो में कहना चाह रहा था दोस्तों, अगर कोई भी बेटा वो माता पिता को परेशान करता है तो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लगा के आप उनको पाबंद करा सकते हो, घर से बाहर निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी से अगर आपको करना है तो उसके लिए वैसेकरण कराना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।